दोस्तों आज का जो इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए आप किस प्रकार से अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी बिना ब्लॉक जाए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टैप करना है आवासीय ऑनलाइन। टैप करने के बाद यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं ब्लॉक से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं ब्लॉक वाले पे टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको टिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए इंटर आधार नंबर, तो इस पर आधार नंबर आपको टाइप कर देना है, अपना जिसका बनाइएगा उसका या अपना बनाइएगा तो अपना। तो दोस्तों तो मैं यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर देता हूँ। अच्छा मैंने आधार नंबर टाइप कर दिया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई मी कंसेंट फॉर यूजिंग आधार, तो यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप नीचे में देख लीजिए यहाँ पे है इंटर नेम इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में अपना नाम टाइप करना है। यहाँ पे मैंने अपना नाम इंग्लिश में टाइप कर दिया और यहाँ पे नेम हिंदी में नाम यहाँ पे बोल रहा है टाइप करने के लिए, तो आपको हिंदी में नाम टाइप कर दीजिएगा। जैसे मैं अपना नाम हिंदी में टाइप कर देता हूँ, मैंने अपना नाम हिंदी में टाइप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे और यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हैं, आवासीय बनाना चाहते हैं तो आवासीय, तो यहाँ पे चाहते हैं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो मैं आवासीय पे क्लिक कर देता हूँ और आवासीय पे मैंने टिक कर दिया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। मैंने अपना नंबर टाइप कर दिया, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे टोटल भर दिए हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है तो इस पर नेक्स्ट कर देना है क्लिक करके। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे इंटर ओटीपी फॉर आधार नंबर, तो आपके जो आधार नंबर यानी मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया है उसका यहाँ पे आपको आएगा ओटीपी, तो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ओटीपी आ गया है मेरा, तो मैं अपना ओटीपी टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी टाइप कर दिया है, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है तो वेरीफाई कोड देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने, फॉर्म भरने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में लिखना है यहाँ पे, तो मैं अपने पिता का नाम हिंदी में लिख देता हूँ। और यहाँ पे बोल रहा है दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए फादर्स या हस्बैंड नेम इंग्लिश में लिखना है, तो मैं अपने पिता का नाम इंग्लिश में लिख देता हूँ। लिख दिया, अब लिंक कौन सा है, तो लिंक पुरुष है तो पुरुष रहने देते हैं, मोबाइल नंबर इतना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे परमंडल चयन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे परमंडल चयन करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। तो यहाँ पे कोसी तिरहुत, मैं दरभंगा से हूँ तो दरभंगा मैं टिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको आप जिला चयन करने के लिए बोल रहा है, तो जिला चयन, तो मैं मधुबनी जिला से हूँ तो मधुबनी टिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे देखिए अब फिर यहाँ पे बोल रहा है प्रखंड चयन अनुमंडल चयन करने के लिए, तो मैं अनुमंडल चयन करता हूँ, मैं अनुमंडल झंझारपुर से हूँ तो मैं झंझारपुर पर टिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है प्रखंड चयन करने के लिए, तो प्रखंड चयन कर ले, मैं आंध्रा ठाड़ी से हूँ तो आंध्रा ठाड़ी टिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे गांव या मोहल्ला,
तो मैं अपना जहाँ से हूँ वहाँ टाइप कर देता हूँ। मैं पस्टन से हूँ मोहल्ला, या मैं पस्टन गांव से हूँ तो मैं पस्टन टाइप कर दिया। पंचायत या वार्ड संख्या बोल रहा है तो मैं पंचायत दे देता हूँ। मरुखिया दे दिए। यहाँ पे पोस्ट मांग रहा है तो पोस्ट टाइप कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब पूछ रहा है जो थाना, थाना कहाँ है तो थाना आपका जहाँ है वहाँ डालिएगा। मेरा थाना अंधरा ठाड़ी है, अंधरा ठाड़ी में टाइप कर दिए। अब यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य क्या है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्या आपका जो उद्देश्य है उसके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉलेज में नामांकन हेतु, नामांकन हेतु और मैं इतना कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक नहीं होगा। अब ये अंचलाधिकारी का काम है, तो यहाँ पे आप पूरा देख लीजिएगा, फुल प्रूफ पे पूरा देख लीजिएगा जो आप किस प्रकार से भरे हैं। अगर गलती हो तो अभी एडिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखा देता हूँ सब भरा हुआ है सही सही। और यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ आपके सामने कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे फॉर्म आ गया है जो भरे हैं आप। मैं श्रवण कुमार महतो, अनुमंडल झंझारपुर, जिला मधुबनी, राज्य बिहार के स्थायी निवासी हूँ। और उसके बाद आप ये सही है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आवेदन जो करने की तिथि है 6/9/18 का, तो यहाँ पे देखिए मैं सहमत हूँ, आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आप यहाँ पे खुल गया है। अब चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, तो मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। प्रिंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए प्रिंट आउट, तो आप यहाँ पे हमारे पास, तो अभी मोबाइल से कर रहा हूँ इसीलिए PDF फाइल में सेव कर लेता हूँ। PDF फाइल में सेव करने के बाद यहाँ पे सेव कर देता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।